नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। भारत के खिलाफ कनाडा में अक्सर साजिशें रची जाती हैं और भारत हर बार इन साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देता आ रहा है। भारत ने हर साजिश को नाकाम किया है। ये किसी से छुपा नहीं है कि सिख अलगाववादी भारत को तोड़ने के लिए अक्सर कनाडा में समेत बाहरी देशों का साथ लेते हैं और यहां बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। सिख कट्टरपंथी आंदोलनों को इन देशों से वित्तीय सहायता भी मिलती रही है और ये आंदोलन भारत के खिलाफ कई बार ऐसी बातें करते रहे हैं जिससे भारत हमेशा आहत हुआ है। अब इन देशों में हिंदुओं की आस्था पर चोट किया जा रहा है और मंदिरों पर हमले भी किए जा रहे हैं, लेकिन इन देशों में हो रहे हमले पर नरेंद्र मोदी सरकार ने सख्त फैसला लिया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ब्रिटेन और कनाडा में सिख कट्टरपंथ मंदिरों पर हमले और हिंदू धर्म के प्रतीकों की तोड़फोड़ की बढ़ती घटनाओं की बारीकी से निगरानी कर रही है। इसको लेकर जल्द ही दोनों देशों को एक संदेश भी भेजने पर विचार कर रही है। भारत ने लिसेस्टर समेत भारतीय समुदाय के खिलाफ हुई हिंसा को लेकर कड़ा विरोध जताया है। इसको लेकर ब्रिटेन के अधिकारियों के समक्ष विरोध दर्ज कराया गया है। सरकार ने इस बात को भी संज्ञान में लिया है कि कैसे ब्रिटिश सुरक्षा एजेंसियां अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए सिख कट्टरपंथियों द्वारा धन संग्रह को नजरअंदाज कर रही है। मोदी सरकार ने दोनों देशों में भारत विरोधी इन घटनाओं का जवाब देने का फैसला किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दोनों देशों की घटनाओं पर संज्ञान लिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्र में रूस द्वारा कराए जाने वाले जनमत संग्रह की कड़ी निंदा की है, लेकिन उन्होंने 19 सितंबर को ब्रैम्पटन और ओंटारियो में प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस संगठन द्वारा आयोजित तथाकथित जनमत संग्रह पर आंखें मूंद ली है। नरेंद्र मोदी सरकार ने ग्लोबल अफेयर्स कनाडा को 3 राजनयिक संदेश भेजे हैं। ट्रूडो सरकार से अवैध जनमत संग्रह को रोकने के लिए कहा गया है। कनाडा की प्रतिक्रिया में यह भी कहा गया है कि वो ओंटारियो के ब्रैम्पटन में स्वामीनारायण मंदिर पर हमला बर्बरता है और इसे रोका जाए। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के साथ सभी जानकारी को साझा की गई है। कनाडा को पंजाब के गैंगस्टरों को बड़ा केंद्र भी माना जाता है और यहीं से ही भारत के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश भी रची गई थी। भारत ने न केवल ब्रिटेन, कनाडा बल्कि अमेरिका को भी यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत विरोधी सिख कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई न करना मिलीभगत के समान है और भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। वैसे इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।